ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बहुत बार हमें टचिंग्स देते हैं, हम बाबा के पास बैठते नहीं, बाबा आप मुझे प्यार करते हो? बाबा कहीं कहाँ करता तुम तो? बाबा नहीं, आंसर आपने जो दिया ना थोड़ा हल्का हल्का दिया, आप सच्ची बताओ ना, आप मुझे प्यार करते हो? तो बाबा क्या करेगा? माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे की आंखों में देखते हैं और आंखों में देख करके क्या कहते हैं? तो बच्चे करते तो हैं लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। जो मैं कहता हूँ ना, तुझे मालूम नहीं है कि तेरा फादर क्या है। इसी तरह से कई बार हम भी भूल जाते हैं बाबा को। हम कह देते हैं बाबा है, बाबा है, बाबा है, बाबा को याद कर लेंगे, लेकिन बाबा बहुत से मुरलियों के अंदर इस बात को कह चुके हैं कि बच्चे ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा जो पिता है वो एक तो वो परम पिता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, और ईश्वर के बनकर के भी मैंने पूरा फायदा नहीं उठाया तो फिर बाबा मुरली में हमें दूसरा टाइटल भी देते हैं। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फालतू इधर उधर नहीं देखो, बड़ों में ये संस्कार है, छोटों में ये संस्कार है, छोटे कहना नहीं मानते। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा किसी बात को लेने का नज़रिया कैसा है, मेरा किसी बात को लेने का नज़रिया कैसा है उसके ऊपर मेरी स्थिति निर्भर करती है, और उस स्थिति के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को दान करते हैं, दूसरों से व्यवहार करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम किसी का ठेकेदार नहीं बनो, इसके रिस्पॉन्सिबल बनो सिर्फ अपने, और अपने में भी किसके, किसके भाइयों पांडव से ना, अपने में भी किसके, मन के रिस्पॉन्सिबल बनो। मन में हर सेकेंड क्या चल रहा है, यहाँ घुसे तो कोई कमी नोट की, भले जो जिम्मेवार होंगे उनके मन में एक संकल्प आए यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक उस चीज़ का बवंडर बना देना। देर आर टू थिंग्स, एक होता है कि बात को देखा आप हो गए कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। एक होता उस बात का बवंडर फैला दिया कि उसको बोला गया था ऐसे करना, लेकिन फिर भी उसने ऐसे कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ मेरे नंबर बन गए कि बड़ी बात को मैंने क्या किया, छोटा कर दिया। और दूसरे केस में मैंने क्या किया, सेकेंड ऑप्शन में मैंने क्या किया, छोटी बात को मैंने उछाल करके सबके बीच में उस व्यक्ति का इम्प्रेशन खराब कर दिया, चाहे वो घर में है, चाहे ये बात ऑफिस में है, या हम बाबा के बच्चे जब आपस में एक दूसरे के संपर्क संबंध में आते हैं, चाहे ये बात उसमें है।